Hello, family. So in this video, we are going to know about the Coracle Plus or the latest version of Coracle Cloud. पूरा इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि Coracle Plus क्या है और इसमें क्या एडवांसमेंट आ गया है, Coracle Cloud में क्या एडवांस आ गया है, तो ये जो चेंज हो गए चेंजमेंट्स क्या है और क्या नहीं, वो सारे एडवांस टूल्स को हम जान लेंगे कि क्या क्या आज चेंजमेंट आया है Coracle Cloud से इसमें क्या चेंजमेंट है। जैसे प्रीवियसली कॉरिकल क्राउड भी बोला था, तो यह बोला था इसको ही कॉरिकल क्राउड के नाम से फेमस था, अब कॉरिकल प्लस के नाम से इसमें क्या चेंजमेंट आए हैं उन सबको थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें क्या चेंजमेंट आए हैं और क्या नहीं। तो बात करते हैं कंपनी क्या और कंपनी के मोटिव क्या है। तो सबसे पहले कंपनी को देखते हैं कि कंपनी क्या कहना चाह रही है। तो द कॉरिकल प्लस इज एन ऑनलाइन ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्रोग्राम शुड बी क्लियर दैट ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्रोग्राम मतलब क्या है कि लोग ज्वाइन करते हैं, उनसे क्राउड बढ़ता है, उसी क्राउड फंडिंग से आपको पैसा आता है। कंपनी पैसा कहीं से बना नहीं रही है भाई, ना वो अपने घर से देगी। तो इंडिविजुअल्स ऐड होते हैं, जैसे जैसे मेंबर्स ऐड होते हैं, वही मेंबर्स जिस मेंबर्स आपके ऐड होंगे उनमें जितने भी अमाउंट से ऐड होते हैं उन्हीं मेंबर्स का अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कंपनीज 100% डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली। तो जो कंपनी ने अगर 100 पैसे, भाई सीधी सी बात है, अगर 100 पैसे उसने ऐड लिए हैं तो वो 100 पैसे को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। देखो थोड़ा सा एक क्विक वे में देखते हैं क्या है कि सपोज करके चलते हैं कि कंपनी में फिलहाल 10 मेंबर्स, कितने 10 मेंबर्स थे, कितने 10 मेंबर्स थे, ठीक है। एट स्टार्टिंग में क्या थे कि 10 मेंबर्स थे स्टार्टिंग में, और कंपनी के पास 10 मेंबर्स थे। तो इसके बाद क्या होता है कि कंपनी में कोई 11th मेंबर आता है। कौन आता है? 11th मेंबर। 11th मेंबर ने एंट्री ली, तो जो 11th मेंबर है उसने जो एंट्री लेता है वो 1000 रुपीज, 1000 रुपीज से ली उसने। 11th मेंबर ने 1000 रुपीज से एंट्री ली, तो जो ये 1000 रुपीज है वो इन 10 मेंबर्स में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब कि ये जो 10 मेंबर्स हैं उनको 100 100 रुपीज दिया जाएगा। अब जब 10 मेंबर्स को 100 100 रुपीज दिया जाएगा तो वो सीधी सी बात है कि वो 10,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और कुछ आप लोग वो सोच रहे होंगे कि अब भैया जब कंपनी ने 1000 रुपए लिया, 1000 रुपए ही दे दिए तो कंपनी को क्या फायदा। तो कंपनी इस पे चार्ज, जब आप विड्रॉल करते हैं तो इस पे कुछ चार्ज करती है, वो मैं आगे बताता हूँ कि विड्रॉल पे क्या चार्ज करते हैं कंपनी और क्या नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि कंपनी का विजन क्या है। तो कंपनी का विजन क्या थी, कंपनी मिशन और उसका विजन दोनों चीजें देखते हैं कि कंपनी क्या कहती है और कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या। कंपनी का मिशन सीधा है कि टू प्रोवाइड रिजल्ट ओरिएंटेड वेल प्लांटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कंपनी कंपेन्स टू अवर क्लाइंट कंपनीज वाइल कनेक्टिंग क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग एंड यूनिक पब्लिसिटी। तो क्या थोड़ा सा वाइल कनेक्टिंग क्रिएटिव एडवर्टाइजर्स एंड यूनिक पब्लिशर्स, थोड़ा सा इस बात का ध्यान है कि आपको पता चलेगा एट द एंड जब आप उसके मेंबर हो जाएंगे उसकी फैसला बाद क्या है कंपनी कर रही है, कैसे वो करती है, उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अच्छा दूसरा क्या है कि पहले कंपनी का विजन देख लेते हैं। कंपनी क्या विजन क्या है कंपनी का। तो कंपनी का विजन ये है कि कंपनी कहती है टू कंटिन्यूसली डेवलप एंड इनोवेट बिजनेस वेंचर अपॉर्चुनिटीज इन कॉरिकल प्लस बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स एंड एक्सीलेंट सर्विस इन द ग्लोबल लैंडस्केप। थोड़ा सा एक जो मेरा पर्सपेक्टिव है उससे देखते हैं क्या। सपोज क्या कि अभी तो इसके पास ना एड्स हैं और ना ही कुछ और है, ना आपको कुछ ले रही है ना आपसे कुछ दे रही है। जो आपको मिलता है पैसा वो आपको आता है क्राउड से, जो भी पैसा आप यहाँ से लेंगे ऑटो पुल हो, डायरेक्ट इनकम हो या फिर स्पॉन्सरिंग हो, कुछ भी हो, तो आपका जो पैसा आ रहा है वो क्राउड से आ रहा है। दूसरी चीज क्या है, अब कंपनी को अभी जो प्रॉफिट रहता है वो कंपनी का अभी का प्रॉफिट रहता है, ये जो 15% वो चार्ज करती है विड्रॉल पे, किस पे, विड्रॉल पे। दूसरा प्रॉफिट कंपनी को इन फ्यूचर क्या ऐसे प्रॉफिट होगा जो ये क्राउड होगी, कैसे। कोई भी कंपनी होती है भैया, देखो आज के टाइम पे जो एक चीज चलती है वो है मार्केट, मार्केटिंग का बहुत बड़ा फंडा भाई वर्क करता है और वही पूरा चलता है। तो मार्केटिंग का फंडा क्या कहता है, मार्केटिंग का फंडा क्या है कि भाई कोई भी कंपनी होती है ज्वाइन करती है, अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एडवर्टाइजमेंट करवाती है। तो अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए वो दूसरी किसी एजेंसी को हायर करेगी,
आप एजेंसी कौन सी एजेंसी को हायर करेगी? ऐसी एजेंसी को तो हायर नहीं करनी चाहिए जिसके पास इंडिविजुअल ना हो, जिसके पास कोई देखने ही वाला ना हो। तो ये चीजें, एक ओरेकल है या फिर कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, वो वही वर्क करते हैं। सीधा सा लॉजिक यही है कि वो वही वर्क करते हैं। तो ये कैसे वर्क करते हैं वो थोड़ा देख लेंगे। आपको अपनी समझ से काम करना है ना कि मेरी, हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी अपने पर्सपेक्टिव से रिसर्च सर्च करनी चाहिए। आप देखते हैं कि इसमें आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो ज्वाइनिंग का सीधा फंडा क्या रहता है वो देखो। तो ज्वाइनिंग के लिए देखो, उससे पहले थोड़ा सा, ज्वाइनिंग के लिए आपको सीधा सा $25, सीधा $25। आप $25 से वीगा लेवल पे ज्वाइन हो जाएंगे। किस लेवल पे? वीगा लेवल, जिसमें 6 लेवल्स रहती हैं, वो आपको आगे देखेंगे। और कंपनी क्या कहती है, वी आर ऑफरिंग 5 टाइप्स ऑफ इनकम टू अवर वैल्यूएबल मेंबर, जस्ट नीड टू कनेक्ट एंड कॉन्टेक्ट एंड रीड ऑल प्लान चार्ट गिव। आप थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इनकम, 4-5 तरीके की जो रहती है वो क्या है। सबसे पहले अपग्रेडेशन प्लान के बारे में जान लेते हैं कि अपग्रेडेशन प्लान क्या रहता है इसका, अपग्रेड प्लान क्या है। तो अपग्रेड पैकेज क्या है, अपग्रेड पैकेज जो पहला अपग्रेड आप जिससे ज्वाइन होते हैं वो वेगा है। यहाँ से आप ज्वाइनिंग करते हैं, वेगा से आप ज्वाइनिंग करते हैं, उसके बाद आप अपग्रेड कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आपका पहला अपग्रेड रहता है रीगल, जो कि $50 का रहता है। फिर फोनेक्स $100 का, सिग्रेटस $100 का, देन कैनोपस $400, देन कैस्टर दैट इज लास्ट। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम, टाइप्स ऑफ इनकम क्या क्या रहती है कंपनी के पास, कौन कौन से टाइप्स की इनकम है। तो टाइप्स ऑफ इनकम की बात करें तो कंपनी के पास 5 तरीके की इनकम है। कितने तरीके की है? 5 तरीके की। अब वो 5 तरीके की इनकम क्या है क्या नहीं, और वो कैसे वर्क करती है वो थोड़ा सा एक बार देखते हैं। सबसे पहले आता है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम के में $25 रहते हैं। डायरेक्ट इनकम $25 की रहती है आपके पास। लिव इनकम है $32, ऑटो पूल में $40, सॉरी दिस इज नॉट डॉलर, दिस इज परसेंटेज, टोटल अमाउंट इनकम परसेंटेज। टोटल पूल इनकम रहती है 40% की, बूस्टिंग $20 और बोन्जा 30%। सपोज करके चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपने पूरा $100 का इनकम करना चाहते हो, $100 का इनकम आप कैसे कर पाएंगे? अगर कर पाए तो क्या है कि 25%, उस 25% यानी 100 का 25% होता है 25। तो जो 25% पैसे आएगा आपका वो आएगा डायरेक्ट इनकम से। फिर 32 आपका आ जाएगा लेवल इनकम से, देन 40 विथ ऑटो पूल एंड 3 विथ बोनस। ये पांचों इनकम हम ब्रीफ में देखेंगे। अभी थोड़ा एक बार समझ लेते क्या है, तो उसके बाद ब्रीफ में इनकम देखेंगे। पांचों इनकम को ब्रीफ में देखेंगे क्या है और कैसे वर्क करती है। अब बात करते हैं डायरेक्ट इनकम। सबसे तो पहले देखते हैं कि डायरेक्ट इनकम क्या है। तो डायरेक्ट इनकम में क्या है कि सपोज कीजिए आप वेगा लेवल पे ज्वाइन हो गए, वेगा पे आप ज्वाइन हुए, वेगा पे आप $25 से ज्वाइन हुए। उसके बाद क्या है कि जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं, आपका जो अपलाइनर होगा, आपका जो भी अपलाइनर है, आपका जो भी अपलाइनर रहेगा, उसको ना 25% इसका मिलेगा, इसका 25% मिलेगा, यानी $6.25 समथिंग उसको मिल जाएगा आपके अपलाइनर जो भी होंगे, ठीक है, जो कि समथिंग ₹450 के करीब रहेगा शायद। अब जब आप भी अपने डाउनलाइन में किसी को ऐड करेंगे ना, डाउनलाइन में जब भी आप किसी को ऐड करेंगे अपने नीचे, तो आपको भी सेम अमाउंट यानी 25% ऑफ $25 मिलेगा। यानी समझ रहे हैं ना आप, 25% यानी ₹2100 का आपको 25% मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि टीम बोनस इनकम क्या क्या है। टीम बोनस इनकम में सबसे पहले जो सबसे पहली इनकम रहती थी वो अपने पास वेगा है। वेगा में आपको $6.25 मिलता है, देन रीगल जो कि 12.5, देन फोनेक्स जिसमें $25, देन सिगरेटस जिसमें आपको $50 मिलते हैं, और कैनोपस में $100। ये सिर्फ टीम बोनस इनकम है। जब भी आप किसी मेंबर को ऐड करते हैं टीम बोनस की तरह, यानी आपको जो स्पॉन्सर का मिलता है वो, फिर कैस्टर में $200 आपको मिलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये चीज आती है लेवल इनकम की। लेवल इनकम में क्या है और वो कैसे वर्क करेगा, तो लेवल इनकम में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, थोड़ा आपको क्लियर रहे कि लेवल इनकम क्या है। मैं अच्छा, लेवल इनकम में टोटल आपके पास 10 लेवल रहते हैं। टोटल आपके पास 10 लेवल रहती है लेवल इनकम में। अब 10ों लेवल्स पे आपको पहुंचना है, 10ों लेवल को पाना है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो वेगा जहां से आप ज्वाइनिंग करेंगे वहां से बात करते सीधा कि आप ज्वाइनिंग करते, तो ये सीधा आपको 6 लेवल तक, कहाँ तक? 6 लेवल तक आपको ये $1 तक देते हैं। कितना? $1 तक, यानी आपके डाउनलाइनर की बात कर रहा हूँ मैं, डाउनलाइनर की। आपको डायरेक्ट इनकम में
25% देते हैं, ठीक है, वैसे ही लेवल इनकम में आपको $1 देते हैं आपके नीचे, आपके डाउनलाइन में 6 लेवल तक, 1 2 3 4 5 6, 6 लेवल तक आपको $1 का मिलता है, 6 लेवल तक आपको $1 मिलता है। उसके बाद जब आप 7 लेवल तक, 7 लेवल से आपको $0.5 मिलना स्टार्ट हो जाता है, वो कि 10 तक जाता है, 10 लेवल तक आपको $0.5 तक मिलेगा 7 से। उसके बाद सपोज कीजिए आपने ऐसे ही थोड़ा इसको नहीं, अगर आपको समझ में आए तो ऐसे दिखते हैं, जैसे ये आप रहते हैं, ठीक है, आप रहते हैं, आपके पास किसी, आप आपने वन वन एक बंदा जोड़ा, देन दो, थर्ड, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, एंड सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, एंड सेवेंथ, टेंथ। तो आप जब सिक्स तक थे ना, तो ये समझ के चलिए कि आप सिक्स तक थे। जब आप सिक्स तक थे ना, तो आपके यहाँ जितने भी इंडिविजुअल्स रहेंगे उस टाइम तक, जितना भी इंडिविजुअल रहेगा, ये नहीं कि आपको सिर्फ $6 तक ही मिलेगा, थोड़ा ऐसा ना समझें कि आपको $6 तक ही मिलेगा, $6 तक जितना भी इंडिविजुअल, वो चाहे 100 हो, 50 हो, 200, 1000, जितना भी हो, उनका आपको $1 स्पॉन्सर मिलेगा, $1 लेवल इनकम मिलेगा। उसके बाद वो अमाउंट $0.5 हो जाएगा, वो अमाउंट $0.5 हो जाएगा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। अब आती है सबसे खतरनाक चीज भाई, ये जो चीज है ना, इसे बोलते हैं खतरनाक जहर, जो आप कहते हैं ना वो कमाल, ये है वो कमाल। कमाल क्या है कि ये जो चीज है ना, ऑटो पुल इनकम, ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में गिरेगी, आपको कुछ नहीं करना है। अब गिरेगी उसको भी देखेंगे, ये गिरेगी क्या, इसमें आपको 10 लेवल रहते हैं, कितने, 10 लेवल इसमें भी रहते हैं, 10 लेवल का आप सीधा ये समझ के चलिए, मैं बता रहा हूँ, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, बस बता रहा हूँ कि 10 लेवल को आप समझ के चलिए कि 10 मंथ्स की बात की जा रही है, कितने, 10 मंथ्स की बात की जा रही है। अब जब आपने वेगा पे ज्वाइन किया, तो पहले मंथ आपका $2, देन 4, देन 8, देन 16, 32, 62, 138, 256, देन 512 एंड 146, और ऐसे करते करते जो आपका टोटल अमाउंट हो जाता है वो क्या रह जाता है, टोटल अमाउंट जो आपका हो जाता है वो हो जाता है 2,406, $2,046 आपको टोटल मिलते हैं जब आप वेगा लेवल पे ज्वाइन होते हैं, यानी $25 से आप जाएंगे, यानी आप समझिए कि आपने ₹2,100 इन्वेस्ट किया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपने ₹2,100 की, उसके बाद ये आपको 1,60,000 के अराउंड पैसा मिला बिना कुछ किए, आपने कुछ नहीं किया, अभी तक आपने कुछ किया नहीं, अब तक कुछ नहीं किया आपने, बस अब थोड़ा सा यहाँ इशू क्या है वो देखते हैं कि आपको करना क्या है। अब 1,60,000 अमाउंट आपका जो आना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक चीज करनी है, ये जो दिख रहा है आपको ना मेंबर, आप वेगा लेवल पे थे, आपको दो मेंबर आपके डाउनलाइन में चाहिए, दो मेंबर आपको कहाँ चाहिए, अपने डाउनलाइन में, डाउनलाइन में आपको दो मेंबर चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हैं, दो मेंबर्स आपको डाउनलाइन में चाहिए, अपने नीचे आप दो मेंबर लगा लेंगे, वैसे ही आपका वेगा लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, वेगा लेवल एक्टिवेट हो गया, अब वेगा लेवल पे एक्टिवेट होने के बाद $2, 4, देन 8, देन 16 आप निकाल सकते हैं आराम से, इजिली वॉलेट में आ जाएगा, आप निकाल पाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा जो कॉरिकल क्राउड के बाद यहाँ एडवांसमेंट हुआ है वो ये है, तो एडवांसमेंट को थोड़ा सा देखते हैं क्या एडवांसमेंट हो गया है। एडवांसमेंट ये है, टू टेक द एडवांटेज ऑफ लेवल 5 to 10 यू हैव टू अपग्रेड विद द नेक्स्ट अपग्रेड पैकेज। आप लेवल 4 तक जो आपका ऑटो पुल आएगा वो तो इजीली ले पाएंगे, आपने दो मेंबर ऐड के लिए वेगा लेवल पे, आप जो लेवल 4 तक आना आपका था वो आप इजीली ले लेंगे विदाउट एनी इशू, यानी जो आप $30 ये तो आप ले लेंगे बिल्कुल। उसके बाद अगर आपको 5 से जो लेवल 5 का आपका आने वाला है, यानी $32 जो आने वाला है, उसको आप चाहते कि वो आपको ईवॉलेट में रहे, उसके लिए क्या करना, उसके लिए आपको क्या करना है कि अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको अपना जो पैकेज है वो अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड पैकेज क्या है कि आपका जो ये वेगा लेवल था, आपको वेगा लेवल से रीगल लेवल में जाना पड़ेगा, ये आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी आप इसका इस्तेमाल आगे कर पाएंगे, इस्तेमाल नहीं मतलब आप समझिए कि आप तभी उसका जो पैसा है वो निकाल पाएंगे, जो बाकी का अमाउंट बचा हुआ है वो अमाउंट तभी आप निकाल पाएंगे जब आप उसको अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। अब जब थोड़ा सा एक चीज यहाँ थोड़ी क्लियर कर दूं, आपने वेगा लेवल को कर लिया, आपने वेगा लेवल पे अपग्रेड लगा दिया, रीगल पे आ गए,
आपने यहाँ जब अपग्रेड लगा दिया है, अपग्रेड लगाया आपने, अब आपने अपग्रेड लगा दिया तो अपग्रेड के टाइम या आपको 2046 डॉलर तो मिलना ही मिलना है, 2046 डॉलर मिलेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है आपको, ये मिलेगा 16 डॉलर तक तो आपको मिल चुका हो। उसके बाद आपने अपग्रेड लगाया, अपग्रेड लगाया उसके बाद आपको ये अमाउंट भी मिलना स्टार्ट हो गया। अब ये जब अमाउंट आपको मिलना स्टार्ट हुआ है ना, ये अमाउंट मिलना स्टार्ट हो गया आपको, टोटल यहाँ तक मिल जाएगा बट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम से जैसे ही आपने यहाँ 32 पे लगाया था, 32 से पहले आपने लगाया था अपग्रेड, अब जब आपने अपग्रेड लगा दिया तो सेम टाइम आपको ये मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कि ये 4 डॉलर भी, फिर 8, 10, 16, 10, 32 आपका ये तो आएगा, उसके साथ साथ ये भी आ जाएगा, तब तक आपका ये भी आ जाएगा। अब जब ये यहाँ तक आ जाएगा और शायद ये भी आपका उस टाइम तक यहाँ तक आ जाना चाहिए, ऐसा कोई इशू नहीं आया कि नहीं आएगा, आएगा 100% आएगा, सबका आ रहा है, अच्छे से आएगा, ये भी यहाँ तक आ जाएगा। देन नेक्स्ट फिर आपको वही अपग्रेड करना है। अच्छा, आप फिर अपग्रेड करेंगे, फोनेक्स पे जाएंगे, फोनेक्स पे जाएंगे, ये वाला अमाउंट आपको फिर से मिलने लगेगा। अब जब ये मिलने लगे तो उसके साथ ये अमाउंट भी आपको मिल रहा होगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं मिलेगा, अपग्रेड कर दिया तो नहीं मिलेगा सबको अमाउंट भी, तो ये भी मिलेगा आपको टोटल अमाउंट। जब आप अपग्रेड कर देंगे तो ये टोटल अमाउंट भी आपको मिलेगा, फिर नेक्स्ट अपग्रेड करेंगे तो ये भी अमाउंट मिलेगा, और एज कंटिन्यू टू द सेम। ठीक है, अब बात करते हैं टीम परफॉर्मेंस, टीम परफॉर्मेंस इनकम और आपका जो बोनस जा रहता है, बोनस जो आपका बोनस रहता है वो 3% का जो बोनस रहता है उसकी बात कर लेते हैं। 3% का जो बोनस आपका रहता है उसकी बात करते हैं, तो वो 3% का बोनस क्या, आप वेगा लेवल पे थे, सपोज कि आप वेगा लेवल पे थे, आप पे वेगा लेवल पे जब आपने अपने नीचे कोई भी 4 बंदे ऐड कर दिए, कितने 4 बंदे ऐड किए, 4 बंदे ऐड किए आपने अपने नीचे, अब उन 4 बंदों ने टोटल, नॉट कि कंपलसरी, ऐसा नहीं कि 20 एक ने, 13 एक ने, 10 एक ने, 8 एक ने, नहीं, उन्होंने टोटल में किसी ने 20, किसी ने 13, किसी ने 10, किसी ने 8 IDs लगा ली, किसी ने टोटल ये IDs लगा ली, ये आपको 51 IDs के सपोज पहुंचेगा, है ना, 10, 20, 30, 40, 40 साठ, हाँ 51 IDs, कोई भी आपके नीचे वेगा में 3 ही 4 बंदों ने 51 टोटल IDs एक्टिवेट कर ली। जब आपके नीचे 51 ID एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये आपको $50 का बोनस मिलता है, फिर वो सेम रिगल में 150, देन 500 एंड $1,500 ऐसे कंटिन्यू रहते हैं। फिर बात करते हैं बूस्टिंग, जो गजब की चीज, बहुत बूस्टिंग क्या है, बूस्टिंग में आपको क्या करना है, बूस्टिंग में कुछ नहीं करना है, बूस्टिंग आपने $20 की बूस्टिंग लगाई, आपका ये अमाउंट $20 $40 में कन्वर्ट होना है, कितने में, $40 में कन्वर्ट होना है। अब जब $40 में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ जो एडवांस आ चुका है, एडवांस ओरेकल से, ओरेकल प्लस, वो एडवांस क्या था, क्या है कि ये $20 तो आपके वॉलेट में पहुंचेगा, लेकिन जो $20 रहेगा वो रीबूस्टिंग पे जाएगा, किस पे, रीबूस्टिंग पे। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें, आपने 20 लगाए थे वो 40 हो जाएंगे, वो 20 आपके वॉलेट में पहुंच जाएंगे और 20 आपके रीबूस्टिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको उस अमाउंट को आप निकाल नहीं पाएंगे, 40 के 20 तो आए, 20 के 40 तो आए, लेकिन आप उस 20 को ही निकाल पाएंगे, 20 आपका रीबूस्टिंग में चला जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये एक चीज और देख लेते हैं कि ये क्या है, ये जो बूस्टिंग आपकी स्टार्ट होती है ना वो सिर्फ आपके स्पॉन्सर इनकम से स्टार्ट होगी। मान लो आपने ये जो 20 वॉलेट 20 में आपने वॉलेट में लगा ली, आप इसका रीबूस्ट नहीं कर पाएंगे, आप थोड़ा इसको ख्याल रखें, ये इसको रीबूस्ट नहीं कर पाएंगे आप, बाकी आप सिर्फ वही इनकम रीबूस्ट कर पाएंगे जो आपको स्पॉन्सर से मिलती है, आपने जो भी अपने मेंबर्स ऐड किए उनसे जो आने वाली इनकम है आप उसको ही बूस्टिंग में यूज कर पाएंगे, दूसरा कोई इनकम आप बूस्टिंग में नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा टर्म एंड कंडीशन की बात कर लेते हैं, बहुत आसान चीजें हैं, कुछ खास चीज नहीं है कि ऐसा हो नहीं पाएगा। पहली चीज तो क्या है कि बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है, अगर आपका कोई अप्लाइनर है आपसे कुछ मांगता है तो उसको बोलिए भाई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है, और उनसे नहीं होता तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम बताएंगे आपको कैसे करना है। ID एक्टिवेशन चार्ज $25 है, जो कि आपकी वीगा लेवल से स्टार्ट रहती है, ये कंपनी नहीं रखती है, आपको फिर बता दूं इसके लिए एक्टिवेशन होगा वो कैसे होता है, आप समझ जाएंगे इनकम तक। इंस्टेंट क्लोजिंग अवेलेबल है, एक्टिवेशन ओनली ऑन एट वीगा लेवल, 1 by 1 प्रमोशन है, ऐसा नहीं कि आपके पास स्टेबल आदमी है तो आप सीधा टेस्ट लेवल तक अपग्रेड कर पाएंगे, नहीं, लेकिन 1 by 1 आप कर सकते हैं, पहले बेगा पे, देन रीगल, देन फोनेक्स, देन सिग्नेटस, ऐसे ऐसे करके आप 1 by 1 अपग्रेड कर सकते हैं। और एक्टिवेशन इन USD, USD यानी
USD डॉलर और TRS में आप कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल आपका 10% का रहता है, मैक्सिमम आपके अकाउंट में जितना हो अनलिमिटेड, मैक्सिमम आपका अनलिमिटेड रहता है, मिनिमम सिर्फ $10 तक रहता है। अच्छा, विड्रॉल फीस क्या आती है? विड्रॉल फीस 15% यूज करती है कंपनी जो आपकी तरफ से काटती है। आप ₹100 का विड्रॉल मारते हैं तो उसमें से आपको 85 ही आपके अकाउंट में पहुंचेगा। ये जो यही रियलिटी में क्या है कि ना, ये जो कंपनी जो प्रॉफिट ले रही है वो क्या प्रॉफिट, यही प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट है। दूसरा, पहला तो विड्रॉल फीस जो लेते हैं ना ये, दूसरा है एडवर्टाइजमेंट, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है किसी और का नहीं, आप यहाँ जुड़ रहे हैं, कल को कंपनी किसी थर्ड पार्टी के साथ टाई अप करेगी, थर्ड पार्टी के साथ टाई अप करेगी तो वो उसका एडवर्टाइजमेंट करेगी, और उसका एडवर्टाइजमेंट करेगी तो आप उस प्रोडक्ट यूज करते हैं, सीधी सी बात है, आप उस प्रोडक्ट को देखेंगे। सपोज कर लीजिए यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे ही आपको एड्स दिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको एड्स का कोई पैसा नहीं मिलता ना, मिलता है ना, बस यूट्यूब को मिलता है। वैसे ही दिस दिस आर द सेम थिंग्स, ये कंपनी भी दूसरा का प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट करेंगी और उनका इनका पैसा मिलता है, जब आप उनके प्रोडक्ट्स देखेंगे यूज करेंगे तो सीधी सी बात, उनको मार्केटिंग बढ़ेगा गिरेगा तो नहीं। ओरेकल की कम वेबसाइट्स पे क्या है और वेबसाइट क्या नहीं, उसका थोड़ा सा देख लेंगे कि वेबसाइट क्या है। तो ओरेकल की वेबसाइट है, आप जा सकते हैं सीधा यहाँ oracleplus.com, मैं आपको बता एक बार दिखा भी देता हूँ कि ओरेकल की वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है। एक बार जाते हैं ओरेकल पे, ये जो आपका ओरेकल प्लस बिल्कुल नया जो वर्जन आने वाला है आ गया है वो ये देखो, ये आपका ओरेकल बिल्कुल मस्त, मैं कहूँ मस्त लाजवाब, जब जो आप कह सकते हैं वो सब चीजें पॉसिबल है। बहुत ही अच्छा इंटरफेस उन्होंने क्रिएट कर रखा है, बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, ज्वाइन कीजिए आप, बहुत ही अच्छे पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटीज है, ऑनलाइन वो भी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपनी लेवल के अकॉर्डिंगली मेंबर्स को ऐड करना है। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर मोर हेल्प, यू कैन कॉन्टेक्ट अस।